Sonam, I want to know which is the best glamorous and stylish unmarried couple in Bollywood according to you. Unmarried? Yeah, who is not married? Who's not married? I don't know who's not married, who's a couple. कौन है सोनम के निशाने पर, रणबीर कटरीना या फिर रणवीर दीपिका? Unmarried. Yeah, who's not married? Who's not married? I don't know who's not married, who's a couple. Who's not married, who's a couple? सोनम ये किसके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप का किस्सा छेड़ बैठी हैं? सोनम कपूर से रिसेंटली एक इवेंट में पूछा गया एक सीधा सवाल, लेकिन एक सीधे सवाल पर सोनम की तरफ से आया ऐसा जवाब जो खड़ा कर सकता है बवाल। I don't know who's not married, who's a couple. They don't actually say it. अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो जरा सोनम की ये बात एक बार फिर गौर से सुन लीजिए। यानी रिलेशनशिप में होने के बाद भी स्टार्स बताते नहीं हैं, उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात भी नहीं करते, पर सोनम को क्या ऐसे रिलेशनशिप्स की सच्चाई पता है? We know that, you know everything. I know everything, but honestly, like whoever have been couples, like even I don't know. भाई ये तो हद ही हो गई, सब पता भी है सोनम को, फिर भी बोलने से इतना घबरा रही हैं। पर डरते डरते ही सही, फिल्म फेयर के इस इवेंट पर सोनम ने एज अ मोस्ट स्टाइलिश कपल ऑफ बॉलीवुड रणबीर कटरीना का नाम गिना ही दिया। बता दे कि सोनम से यहाँ पूछा गया था कि वो इंडस्ट्री में किस अनमैरिड कपल को मानती हैं बॉलीवुड का द मोस्ट स्टाइलिश कपल, तो थोड़ा डरते डरते ही सही सोनम की जुबान से रणबीर कटरीना का नाम आया है। और सोनम की नजर में बॉलीवुड का मोस्ट स्टाइलिश कपल बनने की रेस में पीछे छूट गए हैं दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। वेल, अब क्या सोनम ने जानबूझकर दीपिका का जिक्र अवॉइड किया या जानबूझकर रणबीर कटरीना को मोस्ट स्टाइलिश अनमैरिड कपल डिक्लेयर कर दिया? ये हम पता लगाकर जरूर बताएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई।